हेलो गाइस, खुलूम बाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिनिनिफ्राय मागो स्टार्ट जाबाय, ओमफ्राय दा फुं बेरे फुं जानो जोंहा मामिया आंखो बिसनानिफ्राय माने बोखांना लाबोनानै नै लारु बानायनो थाखाय लिंहरदों। मामिया दा गाव बानायगासिनो, माने एवगासिनो, ओमफ्राय आं बे लाद्दु लाद्दुखौ बनायगोन। ओमफ्राय मोनसे ट्रिक दङ नारेंखल लाद्दुआव, नै बै आमुलनि बे पाउडारखौ होबाथाय मोनखांनानै जा गोथाव जायो। वो जो नारियल लड्डू होते हैं ना, उसको फ्राई मतलब जो करने के बाद थोड़ा सा ये अमूल पाउडर देना चाहिए, अमूल पाउडर, मिल्क पाउडर, तो मतलब लड्डू थोड़ा टाइट होता है एंड द फ्लेवर बहुत ही टेस्ट बढ़ता है। सो ये मेरा तरीका है बनाने का। सो अभी बिहू आ गया, बिहू दिन माबा माग, सो दा बानाय होलांसै नोंथांमोनजोंबो शेयर खालामसै दिनैनि दिना माबादि थाङो, मानो दिनै बिराद खामानि गोसा जागोन जोंहा। दा जि सुनो दङ, दिनै अफ डे आंहा, सानब्रैसो सुटि मोनखादो, बिराद मोजां मोनखादो गोसोआ। ओमफ्राय आरो दोंबावो बिराद बिदिनो मोजां मोजां, सो नायलांबाय थादो, तो आपलो बानि रोयो भिडिअ में। ओमफ्राय दा मामिया एवखांना होबाय, ओमफ्राय दा जोङो जास्ट माबाखौ होगासिनो दा शेपखौ, ओमफ्राय जेसे हायो बानायगासिनो आरो, बारा स्लिम स्लिम जायाखै, थेवबो जानो हाबानो जाबाय, उदैयावसो थांखागोन। तो लड्डु बनके रेडी, और फिर अभी पिठा बनेंगे। मम्मी नारियल वो कर रही है, ये है गुड़। ये रहा पोर्क, बॉईल कर लिया, अभी हम लोग खाएंगे लंच, आज मतलब ब्रंच हो जाएगा हम लोग का। यम 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 यम। और अभी बनाऊंगी पोर्क, उससे पहले ही मैं नहा धो लिया पिठा बनाने के बाद, फिर मैंने पूजा पाठ की, आफ्टर दिन अभी पोर्क बनाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। एंड देन खाना खाने के बाद हम लोग छत पे गए हैं कपड़ा सुखाने के लिए, ब्लैंकेट सुखाया और बहुत सारे कपड़े थे। और उसके बाद अभी हम लोग का जो सूरज देवता है अभी थोड़ा निकल के आ रहे हैं, एंड देन ये रहा थोड़ा सा झलक मेरा पैंडल का, तो अभी बांध के रख दिया क्योंकि अभी वो लोग वेकेशन में हैं, बिहू वेकेशन, इनखाने मैंने पैंडल जैसे खाटोना दिन बेरा था कि बेसर मैंने इजी जाते हैं नाने सौला फैये मैंने 12 दिन गला 2 वीक्स से उन्हों। सो जैसे हाई खालामगासिनो दङ, ओमफ्राय और क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत खराब भी लग रहा है, घर छोड़ के जाऊँगी और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरा होम टाउन में ही होगा शादी, तो इतना भी वरीज नहीं है, मैं घर में आती रहूँगी पेरेंट्स के पास, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मी पापा से और होने वाला सास ससुर जी को भी। एंड देन ये है फ्रंट साइड का, थोड़ा सा दिखा दिया मैंने, एंड बाकी तो दिखाती रहूँगी। एक मज़े की बात बोलती हूँ आप लोगों को, एक्चुअली हम लोग ने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, बा सोचा था कि हम लोग प्री वेडिंग शूट करेंगे, तो अभी इंस्टेंट प्लान हुआ, कल करेंगे सोच रहे हैं हम लोग। एंड एक्चुअली जो दी है, मतलब जो मेरे हस्बैंड होंगे उनके जो बड़े दीदी है, वो उसका मतलब इंस्टेंट प्लान हो गया दीदी का, चलो करते हैं। तो फिर वही, और अभी इंस्टेंट में ना फोटोग्राफर भी मिल रहा है अच्छा कोई, एंड आजकल वेडिंग सूट बा कुछ भी सूट हो जाओ तो मतलब पैकेज बहुत हाई हो जाता है। एक्चुअली हम लोग सिर्फ फ़ोटो खींचेंगे, नो वीडियो एंड ऑल, तो बहुत हाई हाई मांग रहे हैं, कोई 20 कोई 15, तो
हम लोग मतलब इतना भी वो नहीं है, मतलब जैसे कि अवेलेबल पैसा भी नहीं, क्योंकि शादी आ रहा है अभी, इतना वो सब नहीं खर्च करे, जस्ट फॉर सूट वाला ऐसे ही फ़ोटो वगैरह खींचने की सोचा था। बट अगर कोई भी नहीं हुआ तो हम लोग खुद ही अपने मोबाइल से काम चला लेंगे, वो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ, अगर बाई चांस मैंने वो मतलब प्री वेडिंग शूट किया तो। एंड देन अभी हम लोग टाउन में जा रहे हैं क्योंकि पापा को जैकेट ख़रीदना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाके फिर जल्दी जल्दी वापस आ गए क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई बाहर। एंड देन आने के बाद थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो हम लोग पोहे के साथ क्रीम एंड थोड़ा सा गुड़ मिला के हम लोग ने खाया। फिर इवनिंग का जो भी काम था वो सब हम लोग ने समेट लिया, पिठा विठा बनाना था वो सब बनाया। एंड देन उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज के रात के दिन ही हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर खाते, तो एक तरफ बन रहा था मटन एंड एक तरफ बन रहा था पनीर, क्योंकि पापा वेज खाएंगे क्योंकि पापा को आज मतलब वेज ही खाना है, तो हम लोग खाएंगे मटन। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट किया क्योंकि कल यस मैं जा रही हूँ प्री वेडिंग शूट के लिए। एंड देन वो सब वीडियो में सब डालूंगी और ज़्यादा वीडियो नहीं करना हुआ, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा एंड डू सपोर्ट माई चैनल। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।